जय भीम साथियों, लालू प्रसाद यादव का आज 74वां जन्मदिन है। आज उन्होंने अपना जन्मदिन अपने परिजनों के साथ मनाया। इस उपलक्ष में हम आपके लिए लाए हैं ये खास वीडियो, जिसमें हम बताएंगे क्यों उनके बारे में कहा जाता है कि वंचित जनता को स्वर्ग नहीं पर स्वर जरूर दिया। इसके तीन मुख्य कारण है, उनके बतौर सीएम काम, सवर्णों की राजनीतिक सत्ता को चुनौती, सामाजिक न्याय की लड़ाई, आरएसएस जैसे सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती। वीडियो के एंड में हम आपके लिए लाए हैं लालू यादव की बतौर सांसद कुछ स्पीचेस भी, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। आइए इन कारणों को विस्तार से देखते हैं। बतौर मुख्यमंत्री लालू यादव का अंदाज और स्वभाव आम इंसान जैसा था, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ। पूरे सरकारी महकमे को वो गांव ले जाते, सफाई के प्रोग्राम करवाते, बच्चों के बाल काटते, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते, चरवाहा विद्यालय खोले उन्होंने और बच्चों को एक एक रुपए देते स्कूल आने के लिए। कोई सुरक्षा या गाड़ियों का बड़ा घेरा नहीं होता था, अपने बच्चों को भी सरकारी डिस्पेंसरी ले जाकर लाइन में लगते। एक अभिनव नीति थी उनकी के सड़क पर से स्पीड ब्रेकर हटवा देना। कुछ लोगों को ये ठीक ना लगे, पर उन स्पीड ब्रेकर से ग्वालों का दूध गिर जाता था। वो जिस समुदाय से आए थे उनके लिए नीतियाँ बनाई उन्होंने, महत्वपूर्ण नीतियाँ बनाई। तो बात साफ थी कि बहुजन समाज से आए नेता ने सवर्णों के सत्ता के जाल को चुनौती दी और खुद ही नहीं गए, सत्ता के गलियारों में पूरे गाँव को साथ लेकर गए। वही 1990 के दशक में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पास हुआ तो लालू की सरकार ने उसे तुरंत लागू किया। ब्राह्मण भूमिहार राजपूत अब तक केवल इन सवर्ण अल्पसंख्यक जातियों का कब्जा था बिहार की सत्ता पर। लालू के आने के बाद ये स्थिति उलट गई। 1995 के विधानसभा चुनाव में केवल 61 अपर कास्ट MLA जीते और 165 पिछड़ी जाति के। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने आरक्षण और सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाया। जब आरएसएस ने संविधान की समीक्षा और मोहन भागवत ने आरक्षण पर विवादित बयान दिया, तब लालू जी ने चुनौती दे डाली उनको कि आप ये करके दिखाइए। आरजेडी उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार बनाई, पर वो बात अलग है। आपकी आगे जाकर नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब सामाजिक न्याय से ही जुड़ा है सांप्रदायिकता का सवाल। 1990 के दशक में एक तरफ तो आया मंडल कमीशन, उसके चलते ओबीसी आरक्षण, तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथी ताकतें उफान पैदा कर रही थी, आज भी कर रही हैं, पर उस समय मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई जिसे कहते हैं हम। उस समय ही जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए लालू, वो थी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकना, उनको अरेस्ट करवाना। पूरे देश में केवल बिहार ही ऐसा हुआ कि बीजेपी ने VP सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, पर लालू अडग रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में जगह जगह पर दंगे तक हुए, पर बिहार में नहीं। इन तीनों चीज़ों को लेकर ही दिल्ली की सवर्ण मीडिया ने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को टैग दिया जंगल राज। पर ये क्या सही बात है? नहीं। और ये केवल हम नहीं, विदेशी शोधकर्ता तक ये कह चुके हैं। एक अमरीकी लेखक और शोधकर्ता जेफरी विट्सो ने 3 साल बिहार में ज़मीनी स्तर पर काम करके एक किताब लिखी है। इस किताब का विश्लेषण करते हुए फॉरवर्ड प्रेस के एक आर्टिकल में जिशान हुसैन ने लिखा है कि कैसे लालू प्रसाद के शासन ने नौकरशाही में, पुलिस में, राज्य के हर तंत्र में सवर्णों के दबदबे को, उनकी ताकत को चुनौती दी, सत्ता के गलियारों में अपनी आवाज़ उठाई, सवर्णों के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और इसी द्वंद्व में राज्य की नीतियों में जो विकास का पैरालिसिस हुआ और बहुजनों की आवाज़ उठाने को सवर्णों की मेनस्ट्रीम मीडिया ने जंगल राज बताया। तो देखा आपने कि कैसे हर समाज, वंचित समाज को, और केवल बहुजन समाज ही नहीं, माइनॉरिटीज़ हो, मुस्लिमों की बात हो, उनको भी एक सुरक्षित तरीके से, पीसफुल तरीके से जीने की आज़ादी मिली बिहार में उनके कार्यकाल में।
अब एंड में उनकी ओरेटरी की बात करें तो कितने अच्छे वक्ता तो हैं ही वो, ये तो हम सब जानते हैं, चाहे रैलियों में हो, इंटरव्यू में हो या संसद में हो। हंसी मजाक के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी वो दे देते हैं। तो आखिर में देखिए उनकी टिप्पणी अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और लाल कृष्ण आडवाणी पर। केजरीवाल है कोई बताइए, केजरीवाल ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है, ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा। आपने गलती किया, आप लोगों ने गलती किया, अन्ना जी को डिटेन किया आपने, जस्टिफाइड किया डिटेंशन को, लेते लेते आप पहले मालूम हुआ कि पुलिस लाइन में ले गया, पुलिस लाइन के बाद मालूम हुआ तिहाड़ जेल में ले गया। कम से कम हम लोगों से पूछ लेते, पूछे आडवाणी जी से, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवाया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइए। साथियों, इस महत्वपूर्ण संदेश को, इस महत्वपूर्ण बात को, इस विश्लेषण को हमारा, जिसकी कम बात करती है मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया तो बात करेगी नहीं, आप इस संदेश को, इस वीडियो को सबके साथ साझा जरूर कीजिए, सब तक जरूर लेके जाइए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल द न्यूज वीक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, जैसे कोई वीडियो हम करें आपको तुरंत मिल जाए। जय भीम साथियों।